हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ अपने घर के पास एक गार्डन में। जो पार्क है यहाँ पे, वो पहले थोड़ा पुराना टाइप का था, अभी इसको मॉडिफिकेशन करके कुछ अच्छा बना रहे हैं। पहले भी अच्छा था मगर अभी जो बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। तो अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं इधर में जो नया रोड है और इस साइड में नया फुटबॉल ग्राउंड बनाया है जो कि अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो ट्री आप देख रहे हैं, ये ट्री पहले नहीं थे, ये ट्री अभी नए लगाए हैं। और इसकी लाइन पानी की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और इस साइड में पूरा ग्रीन एकदम घास उस, और थोड़ा आगे पहले सब कुछ ऐसा नहीं था, अभी एक और नया ट्री लगाया दूसरा टाइप का। ये तो अभी जो आप पहले पूरा सैंड स्टॉर्म था यहाँ, वो सॉरी सैंड था। चलते हैं आगे जाके आपको दूसरा ग्राउंड दिखाते हैं। अच्छा, और जो कि ये रोड भी देख सकते हैं अभी नया डाला है, पहले इस टाइप का नहीं था। इस टाइप में बहुत सारा सैंड स्टॉन मतलब सैंड था। और ये एक ग्राउंड और बनाया है बैडमिंटन के लिए, ये सब खेल सकते हैं बच्चे लोग। पहले ये फैसिलिटी इधर नहीं थी, अभी नया बना है मगर अभी ओपन नहीं हुआ है, कुछ टाइम के बाद ओपन करेंगे। इसका काम चल रहा है। ये रोड पूरा इधर से नया बनाया है, पहले ऐसा एरिया नहीं था। काफ़ी बेहतरीन अभी इन्होंने बना दिया है इसको। इसके आगे एक ग्राउंड और बनाया है जो कि फुटबॉल ग्राउंड है, वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है। और इस साइड में ये डिफरेंट लाइट्स भी लगाया, पहले ऐसा टाइप का लाइट्स नहीं था, दूसरा टाइप का था। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए पूरा तरीके से ओपन नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इधर बहुत मौसम इतना मतलब ज़्यादा बेकार नहीं है, अच्छा है। थोड़ा गर्मी है मगर फिर भी चलेगा, नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। ये जो महीना है तुम्हारा जून जुलाई अगस्त, ये महीने में बहुत ज़्यादा इधर गर्म रहता है, बाहर आ नहीं सकते, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी उसके हिसाब से बहुत नॉर्मल है, फिर भी मेरे को लगता है 36 कुछ टेम्परेचर अभी है यहाँ पर। ये एरिया में पूरा और इधर में भी रोड पड़ चुका है मगर उसके ऊपर अभी सैंड डाल के रखा है। तो जिस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लोग क्लियर करेंगे। आगे की साइड में बहुत सारे खजूर के ट्री लगा के रखे हैं। और इस साइड में भी देखो, आप देख सकते हैं सैंड पूरा डाल के रखो। थोड़ा आगे जाएंगे इधर लुलुक मॉल है उस साइड में, लुलुक मॉल के पास में ही है दमाम के। इस जगह का नाम मदीनातुल अमाल है, इब्ने खलदून पार्क बोलते हैं इस गार्डन को, इब्ने खलदून पार्क। और अगर आप उधर से आना तो एक आपको देखेंगे उस साइड में एक क्लॉक टावर दिखेगा, जो जिसकी हाइट कम है मगर काफ़ी अच्छा बना के रखा है वो। और देख सकते हैं ये क्लॉक टावर है, ये दमाम पैलेस के पास में एरिया है। अगर दमाम पैलेस तो मशहूर है, बहुत सारे नए ट्रीज अभी लगाए हैं उन्होंने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगा, ये तो थोड़ा पुराने ट्री भी हैं जो पहले के लगा हुए थे, तो नए नए ट्री भी लगाए इन्होंने। तो अभी काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा ये, और काफ़ी लोग इधर विजिट भी करेंगे। फैमिली के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है ये, अगर आपका घर इधर है तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं यहाँ पे पार्क में आके, और अपना टाइम पास कर सकते हैं।